मैं 17 दिन में पहचान गया कि वो खाकी रंग का है। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। नेताओं की भीड़ में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के तेज की तो अलग ही धमक है। क्या बाकी नेताओं के सोच विचार होते होंगे जो खूब नुमा खान आजम खान के होते हैं? और जुबान की तो बात ही मत कीजिए, पित्ता बाहर आते ही जैसे पंचामृत टपकने लगता है। क्या मिठास बाबा रामदेव के शहद में होती होगी जो परम प्रतापी आजम खान की जुबान से निकलती है? पूरा वायुमंडल उनकी इस भव्यताई भाषा के हिंडोले में झूलने लगता है और पूरा परिवेश उनकी इस पवित्रता की गरिमा में गोते लगाता है। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। जयप्रदा पर ऐसे ही तुच्छ टिप्पणी करने के लिए चुनाव आयोग उन्हें पहले भी 72 घंटों मुंह बंद करने की फटकार लगा चुका है, लेकिन आजम है कि मानते ही नहीं। इस बार आयोग ने उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। आरोप है कि आजम ने एक जनसभा के दौरान जिला प्रशासन को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया था। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस वीडियो में उन्होंने डीएम के लिए तनखैया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। वहीं मायावती के समय में अधिकारियों की जी हजूरी को भी अमर्यादित शब्दों में कहा था। आयोग तक खबर पहुंची तो उन्होंने सरकारी डंडा चला दिया और आजम को 48 घंटे मुंह पर ताला लगाने का फैसला सुना दिया। मैं 17 दिन में पहचान गया कि वो खाकी रंग का है। इससे पहले आजम अपनी ही पार्टी की सांसद रही अभिनेत्री जयप्रदा पर भी वो अपनी इस विशेषता की वर्षा कर चुके हैं। रामपुर से सांसद जयप्रदा आजम खान से राजनीति के गुर सीखकर संसद पहुंची थी और इस बार भी जया रामपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर और आजम खान के खिलाफ। चुनावी मैदान में अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो जुबानी जंग भी लाजमी है। लेकिन किसी महिला के वस्त्रों का वर्णन करके उसे जीत में बदलने की कोशिश करना, ये शायद सिर्फ और सिर्फ आजम खान को ही रास आए।